हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल की न्यू फॉर्मूलेस और जो आप डेली लाइफ में जो एक्सेल पे काम करते हो तो आपका जो है ना काम इजी हो जाएगा अगर आप ये फॉर्मूलेस सीखते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, कैसे हमें एक डायनामिक और ऑटो अपडेट जो है ना शीट बनानी है, मैं आपको ये इसमें बताऊंगा। ठीक है, जैसे जो है ना मेरे पास एक नॉर्मल सा डेटा है, ठीक है, नॉर्मल सा डेटा है, तो मैं जो है ना इसे ऐड कर देता हूँ टोटल नंबर्स। ओके, टोटल मार्क्स के लिए सम फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू SUM सम ओपन ब्रैकेट, टोटल कर लूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर। तो सेम जो है ना इसको कॉपी कर लूंगा, मैं पेस्ट कर लूंगा। उसके बाद मेरे को एवरेज चाहिए मार्क्स, तो एवरेज का फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ मैं, एवरेज भी आ चुका है। ठीक है, मेरे पास टोटल जो है ना 9 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो है ना मुझे सिर्फ 6 स्टूडेंट का डेटा अभी मैंने अपडेट किया है। रिमेनिंग जो है ना बंदों का अगर मैं डेटा अपडेट करता हूँ तो एक एक मुझे जो है ना ऐसे ऐसे डालना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है मेरे स्टूडेंट का डेटा, तो मुझे एक एक ऐसा अपडेट करना पड़ेगा, या फिर मैं तीनों भी एक साथ करता हूँ तो अलग से मुझे फॉर्मूला डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तीनों भी जो है ना ऐसे करके जो है ना अपडेट कर दिया, तो जो है ना यहाँ पे फॉर्मूलास फिर से मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट 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 ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं एक आपको जो है ना अच्छा सा जो है ना एक ट्रिक बता दूंगा, तो जो है ना ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। सिर्फ मुझे बंदे के जो है ना नाम लिखने रहेंगे और उसका स्कोर अपडेट करना रहेगा, तो ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे टेबल बोल के ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेबल पे आप क्लिक कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन रहेगा, उसके बाद ओके कर लीजिए, तो आपका जो है ना डायनामिक में जो है ना शीट कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल सा आप जो है ना कुछ भी यहाँ पे लिखते हो, 7 लिख दिया तो आपका जो है ना पूरा फॉर्मेटिंग जो है ना आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद का मुझे लिखना है, यहाँ पे जो प्रहलाद है, प्रहलाद मैंने लिख लिया, उसके स्कोर मैं डाल रहा हूँ नॉर्मली। जैसे ही मैं स्कोर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो है ना ऐड हो रहा है। ओके, सम और ये ऑटोमेटिक आ रहा है, जिसके मैं तीनों का जो है ना डेटा सिर्फ यहां से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, ये देख सकते हो आप फॉर्मूलेस ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 भी अगर लिखता हूं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो फॉर्मूला जो है ना ऑटोमेटिक आ जाएगा और जो है ना ऑटो अपडेट यहां से हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ओके, ये जो है ना हमारा जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा डेटा है, नंबर फॉर्मूलास जो है ना विथ टैक्स है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो 10 आगे केजीज है और यहाँ पे जो है ना प्राइस इतना है। इसको हम टोटल अमाउंट कैसे करना रहेगा, अगर नॉर्मल सा अगर मैं लूंगा तो इज इक्वल टू 100 इंटू 10 केजीज, तो एंटर करूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं आएगा। क्यों बोले तो यहाँ पे आगे केजीज बोल के लिखा हुआ है। ओके, अगर केजीज बोल के अगर कुछ नंबर के साथ अगर टेक्स्ट रहेगा तो जो है ना वैल्यू नहीं आएगा। तो उसके लिए हम सिंपल से थिंग्स कर सकते हैं, पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फॉर्मेटिंग सेल में जाऊंगा, उसके बाद मैं कस्टम में जाऊंगा और जो है ना यहाँ पे जो जनरल है, जनरल को मैं निकाल दूंगा, उसके बाद मैं हैश कर दूंगा, डबल जो है ना कोटेशन बोलते हैं हम, डबल कोटेशन दूंगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा के जी, उसके बाद एक और डबल कोटेशन लिख दूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा सिंपल सा एंटर। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे जो है ना मैं अपना वैल्यू जो भी है मैं लिख लूंगा 12 20 25 15, मुझे जो है ना यहाँ से 10 केजी ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल वैल्यू 10 है, डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है कि 12 केजीज, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना है, सिर्फ 12 ही है। तो अब मैं इजी से जो है ना अपना वैल्यू निकाल सकता हूँ, अपना अमाउंट निकाल सकता हूँ, इज इक्वल टू 100 रुपीज इंटू 10 क्वांटिटी ले रहे हैं तो इंटू 10 करना रहेगा मुझे, तो एंटर जैसे ही कर लेता हूँ कि अमाउंट आ गया है। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से जो है ना आप प्राइस में भी देख सकते हो रुपीज, ओके, लेकिन मुझे ये रुपीस चाहिए सिर्फ 100 से, मुझे डेटा उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो रुपीस चाहिए, तो इसे भी मैं अगर सम करना चाह रहा हूँ तो सम नहीं होगा, क्यों बोलते नंबर के साथ जो है ना टैक्स भी मिक्स है, तो यहाँ पे सिर्फ रुपीस आ चुका है,
लेकिन अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए भी सिंपल सा मैं इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं ये डेटा को डिलीट करके जो है ना नॉर्मल सा राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर्मेटिंग सेल में जाता हूँ। ओके, फॉर्मेटिंग सेल में जनरल का जो है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, इसको डबल कोटेशन देता हूँ, उसके बाद आर एस, उसके बाद एक और डबल कोटेशन, उसके बाद मैं हैश कर देता हूँ। सिंपल सा मैं ओके कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी अगर प्राइस रहेगा, जैसे कि इसका 100 रुपीज़ है तो आ चुका है 20,650। ओके, अभी जो है ना मैं रुपीज में आ चुका है, इसी को मैं सम कर सकता हूँ। जैसे कि सम फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर, तो आप देख सकते हो कि 2750 रुपीज 2750 आ चुका है। चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सब टोटल। ठीक है, ये सब टोटल किस लिए यूज होगा ये फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे कि आप इसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ बी कंपनी वालों का सेल्स का काउंट चाहिए। ओके, बी कंपनी वालों का सेल्स का काउंट चाहिए या फिर एवरेज चाहिए इनका। ओके, यहाँ पे जो मैं टोटल करा हूं, ये टोटल सम जो है ओवरऑल है, टोटल सेल मुझे किसका चाहिए, ओवरऑल चाहिए बोले तो मेरे को टोटल सम ओवरऑल आया है। ये एवरेज है टोटल का, टोटल सेल्स का जो पूरी टीम का है, लेकिन मुझे टीम ए का ही चाहिए। मतलब सिर्फ ए का कितना सेल हुआ है तो मुझे देखना है, तो सिंपल समय टीम ए का सेलेक्ट करके ऐसा देखूंगा। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ ए का जो है ना दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल ही दिखा रहा है। तो इसके लिए सिर्फ हमें टीम ए का जहां भी हम फिल्टर लगाएंगे सिर्फ उसी का डेटा हमें दिखाई देने के लिए हम सब टोटल जो है ना यूज करते हैं। चलो चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको इजी से जो है ना आपको सब टोटल कैसे ऐड करना। तो मैं पहले इसे निकाल दूंगा, इज इक्वल टू एस यू बी, ओके, सब टोटल, ब्रैकेट को ओपन कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। ओके, मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो मैं सम के ऊपर जो है ना क्लिक करूंगा तो नंबर आ चुका है 9, कॉमा कर दूंगा सिंपल सा। उसके बाद रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस में मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्स का काउंट चाहिए। ओके, मुझे तो चाहिए सेल्स काउंट का, फिल्टर कर रहा हूं तो भी सेल्स काउंट मुझे चाहिए, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, सिंपल सा एंटर कर दूंगा। सेम मुझे एवरेज भी चाहिए, तो इज इक्वल टू सब टोटल। ओके, उसके बाद एवरेज बोल रहा है, मैं एवरेज के ऊपर दो बार क्लिक कर लूंगा तो आ गया, कॉमा लगाना है मुझे सिंपल सा, रेफरेंस पूछ रहा है तो मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ठीक है, अभी जो है ना मैं फिल्टर करके देखता हूँ कि डेटा मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, टोटल आप देख सक रहे हो कि 452 है, मैं सिर्फ टीम ए का ले लेता हूँ। ओके, रिजल्ट आपके सामने है, टोटल जो है ना ए टीम का 290 है और एवरेज 58 है उनका। ओके, टीम बी का देखता हूं मैं, टीम बी का 162 है और एवरेज 54 है। तो इसी तरीके से जो है ना आप सब टोटल जो है ना फार्मूला ऐड करके आप जो भी फिल्टर कर रहे हो उसका ही वैल्यू आप देख सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ओके, इस ट्रिक में जो है ना सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन जब भी यूज होगा बहुत ही बेहतरीन से यूज होगा, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, जिसमें जो है ना काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ओके, काउंट ए क्या करेगा कि ओनली नंबर्स को कैप्चर करेगा, ये भी जो नंबर्स है ना सिर्फ नंबर को शो करेगा। एग्जांपल मैं बताता हूं, इज इक्वल टू काउंट, ओके, वैल्यू पूछ रहा है तो मैं वैल्यू पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो एंटर, तो सिर्फ जो है ना नंबर को कैप्चर किया हो। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो ब्लैंक है उसको भी नहीं कैप्चर किया, उसने शो नहीं कर रहा है, और जो एनए है उसे भी नहीं शो कर रहा है, सिर्फ नंबर को शो कर रहा है। ये सिर्फ काउंट फॉर्मूले में ऐसे होता है। ठीक है, अगर काउंट ए से क्या होगा, ओके, काउंट ए से जो भी ब्लैंक सेल है उसे छोड़कर जहां पे भी वैल्यू है, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, सभी को जो है ना काउंट करके शो करेगा कि कितना काउंट है। चलो चलते हैं,
इज इक्वल टू काउंट ए। ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं, डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सक रहे हो वैल्यू 7 आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट फॉर्मूले में देखते हैं कि काउंट ब्लैंक। ये काउंट ब्लैंक क्या करेगा, सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। जैसे भी आपको कुछ कोई भी बड़ा का डेटा है, आपको सिर्फ ब्लैंक सेल को जो है ना काउंट करना है, तो ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, डेटा को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो दो ब्लैंक है इसमें, जैसे कि देख सकते हो 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम जाते हैं। आपने जो है ना सम इफ एवरेज, लाइक इफ एवरेज या फिर इफ सम या फिर सम इफ या फिर सम मिनिमम, ऐसा जो है ना आपने यूज किया होगा। ओके, जैसे आप सम इफ जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, वैसे जो है ना ये भी एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जैसे कि डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी काउंट, जो है ना ये फॉर्मूलेस रहेंगे। और जो है ना सम इफ से भी जो है ना बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप इजी से जो है ना अपना वैल्यू जो है ना आप दिखा सकते हो। ओके, चलो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अब मुझे जो है ना यहाँ पे आइटम का नाम कुछ भी मैं लिखता हूं तो उसका क्वांटिटी दिखाई देना चाहिए मुझे, मतलब माउस अगर लिखता हूं यहाँ पे तो उसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे यहाँ पे अपडेट चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा जो है ना मैं सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, डी सम का इज इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। तो ये पूछ रहा है अभी डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा देने के लिए पूछ रहा है, उसके बाद फील्ड पूछ रहा है, मतलब क्या चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो मैं क्वांटिटी पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा देता हूँ, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ पे ओके आइटम और नीचे का सेल को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, क्यों बोलते हो, आइटम कुछ भी अगर मैं लिखूंगा तो जो ना वो आइटम का जो है ना वैल्यू जो काउंट है मुझे आना चाहिए। तो मैं सिंपल सा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अभी तो क्वांटिटी 400 आया, क्यों बोलते हो, यहाँ ब्लैंक है तो टोटल 400 जो है ना ये दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ मुझे माउस का चाहिए, MOUSE, तो मैं लिखता हूँ माउस। तो माउस का आप देख सकते हो कि 170 जो है ना क्वांटिटी है। जैसे कि मेरे को कीबोर्ड का चाहिए तो मैं कीबोर्ड लिख लेता हूं, आप देख सकते हो कीबोर्ड का टोटल क्वांटिटी आ चुका है। इसी तरीके से जो है ना आपको अमाउंट भी चाहिए यहाँ पे, तो सीधा जो है ना आप सेल को जो है ना यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए। ओके, आपको अमाउंट भी चाहिए यहाँ पे, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी डी सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, डी सम। ओके, उसके बाद डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा कर लीजिए, उसके बाद फील्ड पूछ रहा है तो मुझे प्राइस चाहिए, कॉमा कर लेता हूँ, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी कीबोर्ड कीबोर्ड लिखा हुआ है उसका टोटल जो है ना मेरे पास सम होके यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मुझे माउस चीक का चाहिए, अभी माउस लिख लेता हूँ, तो आप माउस का जो है ना टोटल आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। ओके, ये बहुत ही आपको यूजफुल होने वाला है। ओके, क्यों बोलते हो, हम डेली लाइफ में जो है ना इसे बहुत सारे जो है ना हम डेटा एंट्री अगर कुछ करते हैं तो हमें एक मतलब जैसे कि थोड़े फील्ड रहेंगे, थोड़े जो है ना डेटा एंट्री में रहेगा कि आपको सिर्फ कैपिटल ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना स्मॉल लेटर्स में है, आपको पूरे जो है ना कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, अपर इज इक्वल टू यू पी पी ई आर, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, नाम को सेलेक्ट करना है, नेम्स को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हो पूरा जो है ना कैपिटल में ही आ चुका है, सेम कॉपी करूंगा, सेम पेज कर दूंगा, अब देख सकते हो कि पूरा जो है ना कैपिटल में आ चुका है। थोड़ी जगह ऐसा होता है कि सिर्फ उनको जो है ना स्मॉल लेटर्स में ही चाहिए होता है, तो सिंपल सा जो है ना आपको इज इक्वल टू लोअर लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देख सकते हो पूरा लोअर में ही आ चुका है। ठीक है,
और ये जो फॉर्मूला है प्रॉपर का, जो लास्ट फॉर्मूला अभी जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर का जो फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों बोलता हूँ आपको, फर्स्ट लेटर जो है ना कैपिटल रहना चाहिए, और उसका सरनेम भी रहा तो वो भी कैपिटल रहना चाहिए। जैसे कि सकीना का एस कैपिटल रहना चाहिए और बेगम का भी जो है ना बी कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा आपको चाहिए, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल रहना चाहिए आपको, तो आपको जो है ना प्रॉपर फॉर्मूला जो है ना आपको यूज करना है, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट को ओपन करना है। ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, ओके। सेम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो सकीना का एस कैपिटल है, बी कैपिटल है, अंजमा का ए कैपिटल है, डी कैपिटल है, शालिनी का एस कैपिटल है, और जो सरनेम का एस है वो भी कैपिटल है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ओके। ज्यादातर लोगों को जो है ना दिक्कत आती है परसेंटेज कैलकुलेट करने में और कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इस एक्सेल से जो है ना आप इजी से ये फॉर्मूले से जो है ना इजी से आप जो है ना कैलकुलेट कर पाओगे, वो चाहे 15 लाख में से आपको जो है ना 10% निकालना है, 5% निकालना है, 18% निकालना है, या फिर आपको 5 रुपए में से 1% 2% निकालना होगा, ओके। सिंपल सा जो है ना फॉर्मूला रहेगा, इज इक्वल टू आपको सेलेक्ट करना है, ओके। 1000 है, 1000 को जो है ना पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू, उसके बाद मैं 1000 को सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी वैल्यू है आपके पास, 1000 होगा, 10000 होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, तो मैं अभी 1000 से जो है ना मेरे को परसेंटेज चाहिए 5, तो मैं इज इक्वल टू कर दिया। इज इक्वल टू के बाद मैं वैल्यू को सेलेक्ट लिया, अमाउंट को, उसके बाद इन टू मुझे कितना चाहिए 5%, तो 5 लिख दिया। उसके बाद आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना जरूरी है, अगर आप परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाते हो तो आपको जो है ना वैल्यू गलत आ जाएगा, 5000 आ रहा है, क्यों, मतलब आपने परसेंटेज का वैल्यू नहीं लगाया। अगर आप लगाओगे परसेंटेज का सिंबल तो आपको करेक्ट आएगा। इज इक्वल टू, अमाउंट को मैं सेलेक्ट कर लिया, इन टू 5%, एंटर कर दो, तो आपका 5% का जो है ना आ चुका है वैल्यू। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो 5% इसका जो है ना 1000 का 5% 50, 16000 का 800, 1800 का 90 रुपीज, और 1,67,000 का 8,450। इसी तरीके जो है ना आप इतना भी जो है ना परसेंटेज आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रख दिया मैंने, ओके। 1 लाख का मुझे 18% चाहिए, जो जीएसटी होता है ज्यादातर, तो मैं इज इक्वल टू, ओके, उसके बाद मैं अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, इन टू मुझे 18% चाहिए, 18, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो 18,000। ऐसा जो है ना कितना भी बड़ा वैल्यू रहने दो, आप सिंपल से ये फॉर्मूले से जो है ना अपना वैल्यू एक्यूरेट एक्यूरेट और प्रॉपर से जो है ना आप निकाल सकते हो अपना परसेंटेज, ठीक है। चलो चलते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। इसमें जो है ना आपको ई डेट, ईओ मतलब मंथ एंड का जो है ना फॉर्मूला, और टुडे का जो है ना फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक नॉर्मल सा डेटा है, मार्च 1, मार्च 3, मार्च 5, मार्च 7, मार्च 8, ओके। मुझे जो है ना जैसे कि मैं ईएमआई पे करना रहेगा एवरी मंथ, तो मैं जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का डेट, जब भी ईएमआई रहेगा तो मुझे वो डेट जो है ना यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे कि मार्च 1 है तो यहाँ पे फरवरी 1 करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट मंथ का जो है ना डेटा चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सा आपको इज इक्वल टू ई डेट, ई डेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद ये पूछ रहा है मंथ, कितने मंथ के बाद आपको ये वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे नेक्स्ट मंथ में ही चाहिए, तो मैं 1 कर लूंगा, ओके। जैसे कि मार्च 1 है तो फरवरी 1 को जो है ना मुझे ईएमआई पे करना रहेगा, ओके। तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर, तो आप देख सकते हो मार्च 1 था, तो आपको जो है ना अप्रैल 1 को पे करना था, आ चुका है। सेम कॉपी कर लो, नीचे भी आप पेस्ट कर लो तो आ जाएगा। मार्च 3 था तो अप्रैल 3 को आपको पे करना है, तो नेक्स्ट मंथ का एग्जैक्ट डेट को जो है ना आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो है ना 1 मंथ बिफोर का भी आपको देखना है तो आप देख सकते हो, सिंपल सा आपको ई डेट, स्टार्ट डेट, उसके बाद आपको सिंपल सा कॉमा देना है, उसके बाद -1, मतलब आपको -1 मतलब लास्ट मंथ में आपको देखना है, फरवरी 1
तारीख को आपको चाहिए यहाँ पे, तो आप डाल सकते हो, तो आप देख सकते हो, लास्ट मंथ का भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं, 6 महीने के बाद जो है ना आपको इसका मतलब मार्च जो 1 तारीख है, 6 महीने के बाद का डेट चाहिए आपको, तो इज इक्वल टू ई डेट, ओके, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट डेट कॉमा, तो 6 लिखता हूं मैं, मंथ पूछ रहा है तो 6 महीने के बाद सितंबर, 1 सितंबर 2021 रहेगा। ठीक है, इसी की तरीके से जो है ना 6 6 महीने के बाद अगर देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ओके, मंथ एंड, जैसे कि मार्च है, मार्च का मंथ एंड मतलब लास्ट डेट क्या था, ओके, अप्रैल का लास्ट मंथ का डेट क्या था, जैसे कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, वैसे ही जो है ना हर एक मंथ का जो है ना लास्ट डेट क्या था, आप अगर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू ईओ मंथ, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आपको स्टार्ट डेट पूछ रहा है तो मार्च मंथ का मुझे चाहिए, ओके, मार्च मंथ का जो है ना मुझे चाहिए, तो कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद कौन से मंथ का चाहिए बोल के पूछ रहा है वो, तो मुझे यही मंथ का चाहिए, तो मैं 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू करेक्ट नहीं आया, क्यों बोले तो ये जो है ना सेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, आपको ये भी दिक्कत आती होगी बहुत बार, तो सेल का फॉर्मेट करेक्ट करने के लिए मुझे जो है ना सेल का फॉर्मेट करेक्ट करने के लिए मुझे इतने सेल में जो है ना डेट का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाता हूं, उसके बाद डेट्स, आप देख सकते हो डेट्स के अंदर मुझे डेट चाहिए, मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, तो मैं जैसे ही एंटर कर देता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो वैल्यू मेरा आ चुका है 31 मार्च 2021 जो था उसका लास्ट डेट मंथ का 31 मार्च था। तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अप्रैल में 30 डेज थे, मई में 31 थे, जून में 30 थे, जुलाई में 31, अगस्त में 31। इसी के साथ एक लास्ट एंड फाइनल में आप जो है ना आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, जो टुडे या फिर नाउ, आपको सिर्फ आज का डेट और टाइम चाहिए, तो आप सिंपल सा जो है ना इज इक्वल टू नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर कर लीजिए, तो आप देख सकते हो कि आज का डेट और आज का टाइम आ चुका है। आप मेरे सिस्टम में भी देख सकते हो डेट एंड टाइम, 9:06:11 और डेट 20 तारीख। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड से जो है ना शेयर कीजिए, जो भी एक्सेल सीखना चाह रहे हैं और जिसी को जो है ना कुछ अपडेट चाहिए, अगर आपको इस एक्सेल में अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।